संसद सत्र के छठे दिन सोमवार को नेता विपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के बजट की तुलना महाभारत के चक्रव्यूह से की है। राहुल गांधी ने हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था, इसका जिक्र किया और कहा कि चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है। कमल का फूल बीजेपी का इलेक्शन सिंबल है, इसी का जिक्र करते हुए कहा उन्होंने कि इसके अंदर डर और हिंसा होती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन 46 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने क्या क्या कहा, किन मुद्दों को उठाया और किन शब्दों का इस्तेमाल किया, किस तस्वीर का जिक्र किया। कुल 46 मिनट तक राहुल गांधी का भाषण आज रहा बजट के मुद्दों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार पर हमला बोला ये भी समझिए। बजट पर बात करते हुए राहुल ने टैक्स को लेकर सवाल उठाए, पेपर लीक का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का जिक्र किया और इंटर्नशिप प्रोग्राम जो सरकार ने इसी बजट के साथ इंट्रोड्यूस किया एक तरह से, उसका भी जिक्र किया। जातीय जनगणना को लेकर सरकार पर तीखे सवाल दागे, यहां तक कि बजट बनाने में जो अधिकारी शामिल थे उनकी भी जाति यहां पर राहुल ने उठाई। अग्निवीरों का जिक्र फिर से दिखा और ये वादा किया कि अगर हमारी सरकार होगी तो MSP पर कानूनी गारंटी होगी। किन शब्दों का सहारा राहुल गांधी ने अपने इस भाषण में लिया? महाभारत का जिक्र किया राहुल गांधी ने, अभिमन्यु का जिक्र किया, चक्रव्यूह की बात कही और चक्रव्यूह का दूसरा नाम जो पद्मव्यूह है वहां से कमल कनेक्शन भी राहुल गांधी ने इसका जोड़ा। और राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के रूप में तैयार हुआ है, इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया गया वो भारत के साथ किया जा रहा है। आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। उन्होंने कहा कि अभिमन्यु को भी 6 लोगों ने मारा था और आज के युग में भी जो चक्रव्यूह है यहाँ पर भी 6 लोग हैं। उनका जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजीत डोभाल, अडानी और अंबानी। जैसे उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लिया और सदन के बाहर के लोगों का जिक्र किया, इस पर लोकसभा स्पीकर ने दरअसल उनको वॉर्न भी किया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने इस पर हंगामा शुरू कर दिया। स्पीकर ने भी राहुल को टोका और कहा कि आपके सदस्यों ने भी कई बार कहा है कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं जाना चाहिए, परंपरा है एक तरह से। इस पर राहुल ने कहा कि आप कहते हैं तो NSA, अंबानी और अडानी जी का नाम निकाल देता हूं, सिर्फ 3 नाम लूंगा। सुनिए राहुल ने क्या कहा। चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है, हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। तो कुल 46 मिनट के इस भाषण में राहुल गांधी ने 4 बार अडानी अंबानी का जिक्र किया, 2 बार मुंह पर उंगली भी रखी। राहुल ने हलवा सेरेमनी का पोस्टर भी लहराया, इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिर पकड़ लिया, ये तस्वीर भी सुर्खियों में रही। राहुल गांधी ने कहा कि बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात की और कहा कि ये प्रोग्राम हिंदुस्तान की 5 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा, तो हमारे देश के 99% युवा, उनको इस प्रोग्राम से कोई फायदा नहीं होगा। बजट स्पीच का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वित्त मंत्री ने पेपर लीक के बारे में बजट स्पीच के दौरान कुछ नहीं कहा और एजुकेशन सेक्टर के लिए इस बार कम पैसा दिया गया। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है, इसमें भी बजट को लेकर कोई बात नहीं कही। एक तरफ पेपर लीक चक्रव्यूह और दूसरी तरफ बेरोजगारी चक्रव्यूह बना दिया गया है, राहुल गांधी ने इसको लेकर सीधा निशाना बोला। बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी और ये शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए, और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है,
मगर पेपर लीक भी होता है। तो राहुल ने दरअसल महाभारत का जिक्र किया, चक्रव्यूह का जिक्र किया कि अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था घेरकर। हिंदुस्तान के साथ वही हो रहा है जो अभिमन्यु के साथ हुआ। चक्रव्यूह कमल के फूल के आकार का होता है, लोटस फॉर्मेशन सुना आपने। उन्होंने कहा कि 6 लोग देश को कंट्रोल करते हैं। इस चक्रव्यूह ने छोटे और मझोले बिजनेस पर आक्रमण किया, एमएसएमई का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने निशाना साधा। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सेना के जवानों को अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया गया। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप खुद को देशभक्त कहते हैं लेकिन जवानों की पेंशन के लिए पैसा इसमें नहीं दिया गया। और इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, कहा बजट को लेकर जो भ्रांतियां या गलतफहमियां पैदा की गई हैं उनका जवाब वित्त मंत्री देंगी, लेकिन सीमा की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील विषय को लेकर, अग्निवीरों को लेकर जिस तरह की बात सदन में कही गई उससे लेकर कभी भी सदन के समक्ष यानी कि सदन के सामने स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूं। ये दरअसल राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री ने कहा था अग्निवीर के परिवार को कंपनसेशन दिया गया है, वो पूरी तरह गलत था। अग्निवीर के परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कंपनसेशन नहीं दिया गया, ये सच्चाई है। ये दरअसल वार पलटवार का सिलसिला सदन में दिखा। नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लेरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है वो अपनी तरफ से संदेश देंगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं। लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। तो राहुल गांधी के आरोपों पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी लोकसभा में कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने सदन की गरिमा को गिराया है, सदन की कार्यवाही का नियम आपको मालूम नहीं है। इस तरह से उन्होंने सवाल भी उठाए। नियम जानना जरूरी है, नेता प्रतिपक्ष को सदन के नियम के बारे में पता नहीं है।